अबे कहाँ गए? Just to unrespect और माफ करना यारों, माँ कसम बोल रहा हूँ। और इस साल भी कपड़े। भाई motivation दे दिया यार। हाँ वही। Shoot है ना तुम्हारा? ये क्या? What's up public? Welcome back to another vlog. अभी बज रहे हैं सुबह के 6 यारों। हम लोग फाइनली सारे एसएडएल वाले सबके सब बैंगलोर के लिए निकलने आ रहे हैं अपने नम्मा बैंगलुरु के लिए। अपना फैन फेस्ट है यारो, एसएडएल फेस्ट है, तो उसके लिए अपन निकल रहे यारो। बट मैं पहले सिद्धिविनायक जा रहा हूँ, मैं अलग से निकल रहा हूँ सिद्धिविनायक। क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, क्या है सब कुछ गाड़ी में बताता हूँ, वहां जाके बताता हूँ। वहां से सीधा एयरपोर्ट के लिए जाने वाला हूँ, दिखा दूं क्या क्या होने वाला है आज के ब्लॉग में। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब मार दो चैनल को। बहुत जबरदस्त अमेजिंग इम्पैक्टफुल व्लॉग रहने वाला है, तो जरूर देखना। तो आ गया यारो मंदिर में, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। लकीली बारिश के दिन आया ना तो भीड़ रहती नहीं यारो, पूरा खाली है। देखो क्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, तो पापा के दर्शन करते हैं। एंड मैं थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ फ्लाइट के लिए, ऑलमोस्ट 7 बज गए, 1 घंटा लग गया आने में। तो भीड़ नहीं है, अच्छे से दर्शन होंगे पापा के, अपना काम अच्छे से जाएंगा। तो मैं पापा के मंदिर इसलिए आया था आज निकलने के पहले, क्यों तो थोड़ा बड़ा दिन है यार मेरा, कल मेरा BGS का मैच भी है, बैंगलोर का इवेंट भी अच्छा जाए, सब जबरदस्त जाए। तो लास्ट एक 15-20 दिन पहले आया था, तो बहुत दिन हो गए थे पापा के पास नहीं आया था, तो इसके लिए आया था। बाकी मैं जब भी आता हूँ यार आप लोगों को ही बोलता हूँ, हमेशा ना थैंक यू बोलने का पापा को। मेहनत तुम्हारी रहती, बाकी पापा का आशीर्वाद रहता यार, ऊपर से आशीर्वाद रहता। और मैं हमेशा थैंक यू करता हूँ यार कि अपने को जो भी मिला अभी तक पापा की वजह से मिला। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जितना मेहनत करेंगे वो देखते हैं, अगर तुम मेहनत करेंगे ना वो देखते यार। भले तुमको लेट मिलेगा, जो भी सक्सेस मिलेगा वो लेट मिलेगा, जल्दी मिलेगा, कैसा मिलेगा नहीं मालूम, बट वो देखते यार, उन पे भरोसा रखो, माँ कसम बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल बता रहा हूँ यार। मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ गया, मेरे को खुद को नहीं मालूम। मेरे को कभी भी ऐसा लगता भी नहीं कि ये जर्नी कैसे हुई, कब हुई, कहाँ, मतलब कैसे, ऐसा एक स्नैप होता ना, एक स्नैप में ऐसा लग रहा है कि कब हो गया ये सब मेरे साथ। इसलिए पापा से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ यार। और निकलते हैं अभी एयरपोर्ट के लिए। बैक विद द बॉयज गाइस, सारे के सारे लगेज चेक इन करने वाले। Oh my God! क्या बात है? How are you, man? I'm good, यार. Sheesh! लग रहे हो यार, आप अपना दिखाओ, लाओ अपना दिखाओ यार। क्या आज तो मतलब चश्मे डाल के हम बाउंसर आज सबके लिए बाउंसर है। निकलते चेकिंग वेकिंग करके, ठीक है? चलो। खाया कुछ नहीं, भूखे चलो। इधर मेदू वड़ा मिलता है, खाएंगे। क्या मिलेगा? अच्छा बैगन मिल जाएगा भाई। यहाँ से अपन जहाँ तक जा रहे हैं मामा लोग के पास, जहाँ तक फूड कोर्ट तक जा रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जा रहे हैं ना वैसे वैसे टोन बढ़ते जानी चाहिए बात करने की, ठीक है? चैलेंज है, जैसे कि अभी आवाज हमारी बढ़ रही है, वैसे बढ़ रही है, जैसे बढ़ रही है वैसे बढ़नी चाहिए। और धीरे धीरे बढ़ा। बॉटल आ रही है, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, आवाज नहीं आ रहा, बहुत एक्साइटेड ऐसा। तो और बताओ क्या रेबेल के आउटफिट के बारे में क्या कहना है? बहुत एक बार ये तो चैलेंज से बाहर हो गया यार, पहले भाग गया यार। तो जाओ ना, जाओ थोड़ा आगे जाओ। ये देखो देखो, दो दो प्यार करने वाले मिल रहे हैं। एक बार दो ना यार आउटफिट, लुक दो ना यार, आउटफिट चेक। अच्छा लाइट के नीचे डर। ओ माय गॉड, शीश, ये क्या प्राइस है इसका पूरे आउटफिट का? अप्रोक्स तुम्हारे आउटफिट का होगा ये पूरा पे? हाँ, 7-8 हजार। 7-8 हजार। और तुम्हारा? सेम। एयरपोर्ट बॉयज, क्या टोन नहीं बढ़ रही यार, ब्लॉक कर रहा हूँ। टोन बढ़ तो रही है मेरी अब। क्या टोन? टोन नहीं। एक कॉफी डाल लेंगे नींद में यारो, देखो आंखा देखो काले पड़ गए। एक जरा कॉफी डाल लेके, डोसा इडली वड़ा गुस्सा भी डाल लेके निकलेंगे सीधा फ्लाइट के अंदर। ले चैलेंज देता हूँ ये, अगर तू सांभर में डिप करके खा लेगी तो इधर जो बोलेगी वो मैं करूंगा। अगर तू वो एक सेकंड रुक, चैलेंज मैं दूंगा, एक सेकंड प्रॉपर टेब। क्या भाई पायल चैलेंज देगी यार ये? क्या बात है, पायल पहने में मेरे को देगी दे। उसको पूरा डिप करना है, देखो पूरा डिप करना है, प्रॉपर उस पे सांभर होना चाहिए, पूरा खाना है। हाँ डिप करो उसको, ये लीजिए आया। अब इसको देखो खाना है, अब खाना है। और इनको अगर तू खा ली तो मैं जो बोले वो कर दूंगा, ठीक है? खा लो सारे कपड़े। ना 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 बोलेगी ना ना, तू अच्छी
तू दोस्त है, तू गंदा चैलेंज देगी नहीं, इसके लिए मैं तेरे को बोला। अगर इसको बोलता था या अभी मेरे को नचवाता था कुछ ना कुछ करवा था। पागल है कि मैं सारे कपड़े उतरवाता भाई। मां कसम, मां कसम, ओ माय गॉड, नो वे। अबे खाले वेफर और सांबर, वो भी चॉकलेट फ्लेवर का वेफर। भाई जितने भी सांबर के चाहने वाले हैं, जितने भी सांबर में डुबो के, जितने भी सांबर के चाहने वाले, ये है वो लड़की सांबर में वेफर डिप करके खा रही है। मेरे को लगा नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। अब आप कंटेंट दो, अब मजा आएगा ना। क्या लीव इट कॉफी, पागल हो गया है? मैं बेइज्जती नहीं, बहुत नॉर्मल है। सोच ले, नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा है? अरे पागल, बोल दिया बोल दिया। लो क्या कॉफी पूरा डिप करना है? अरे तो बहुत आसान है यार, अभी अभी इसका चांस है। सुबह कोई ये बोल दिया बोल दिया, नहीं अभी बहुत आसान। अरे ना ना, ये जो चैलेंज है मेरे पे भी चांस है ना। ये देख ये देख, रुक रुक रुक। अरे रुको, मैंने पूरा खाया, मैंने पूरा खाया। वो इतना सादा, इतना सादा, ये भी डालो, एक से नहीं खाया, इतना बाइट खाऊंगा। अरे पागल है क्या? सांबर और मामा भाई, इडली हो गया, सांबर प्लस इडली प्लस कॉफी, एक से ये ज्यादा हो गया। तूने सिर्फ बोला था इडली डिप करके। अरे वो बना लिया है रेसिपी, देख सांबर का एक ही मारा कर। अरे पेट फाड़ देगा, मेरे में ऐसे ही किया था, पेट फाड़ देगा ये। गिव अप, गिव अप, गिव अप। दबा दबा मैं नहीं कर सकता। कल क्या है यार, कल वो मैच है। कॉफी की तो क्या कर रहे हो, इडली है उसकी बेइज्जती मत करो यार। कल तेरा मैच है वो। अबे भाई मैं नहीं देख सकता यार, क्या है यार ये यार, इडली भी बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, ये अब हो गया, अब हो गया, मैं अब हो गया। अरे करना जो बोल रही है भाई, उसको वॉफल खिला दिया, पूरा चबा दिया, पूरी भाई उनको खिला दिया। तेरी कॉफी में डुबाऊंगा, मेरी कॉफी में क्यों डुबाएगा? सबको डुबाया, नहीं इसमें मत डुबा भाई, ये मैं पीना चाहता हूँ कॉफी। हाँ ठीक है ठीक है, ये ले भाई, बस इतना काफी है उसके लिए। अरे नहीं यार, लो लो मैं राइट हैंड से करता हूं ना अच्छे से, ये लो। ये चैलेंज फिर मैं भी दूंगा, याद रखना। नहीं, वो तो गया उसका चैलेंज, और कितने बार बोला ना कि मैं खा सकता हूँ। ये तू खाई बोल के खा रहा हूँ मैं, ये जस्ट टू अनरिस्पेक्ट है, जस्ट टू अनरिस्पेक्ट। और माफ करना यार, माँ कसम बोल रहा हूँ, मैं जिंदगी भर इडली और डोसा पे रह सकता हूँ और इसकी बेइज्जती करूंगा आज, उसके लिए माफ करें। चलो चले चले, कॉफी तो अच्छा लगेगा यार, कम ऑन यार, क्या क्या कॉफी फ्लेवर खाते हैं लोग, तो इडली है। डन डन, एक्सेप्ट है। क्या किया? कॉफी इडली खाया, लग रहा है जलेबी इडली खा रहा हूँ। तो ये लो, ये डुबाया। अरे तू जानवर है ना, तू जानवर क्या, मैं जानवर हूँ, कुछ नहीं होता है भाई। 9:50 की फ्लाइट थी यार, 10:20 हो गए वेगन, आधे घंटे से फ्लाइट के अंदर बैठे हुए, जरा डिले हो गई फ्लाइट, नींद आ रही भयंकर। मेरे को मूवी भी देखने का है, एक्सट्रैक्शन 2 देखने का यार, मेरे को आधी देखा था, आधी पिछली बार छोड़ दिया था, लास्ट टाइम जब ट्रैवल कर रहा था वहीं से छोड़े से उसके, देखेंगे फ्लाइट में। सारे के सारे बैठ गए, सब जने अपने अपने कॉलों पे है, बिजी है, फोटो ले रहे, स्टोरियां बना रहे, सब कुछ कर रहे। तो सीधा आप तुम आऊँ यहाँ से, मैं बैंगलोर में, इडली का दर्द अभी भी हो रहा। नमस्कार नम बैंगलुरु, ओ बैंगलुरु, मैं अगर ऐसा करूंगा अंकिता दिखरी भी नहीं है यार। नमस्कार बेंगलुरु बोलो, नमस्कार। अरे आप तो बैंगलोर से हो ना, बैंगलोर से कौन है? तमें गुजराती छो? ए तमें गुजराती छो? तमें गुजराती आवड़े छो? तू बात करो छो यार, मैंने देखा तुझे गाते हुए, गुजराती गाना गाते, कैसा गाता हूँ? एक से एक बढ़ के गाने आते। ए नमस्कार बेंगलुरु, इस साल कब लंबे बोल, इस साल कब नमदे, क्या इस साल लंबड़े बोलता है, इस साल कब नमदे, इस बार है मेरे को लग रहा है, फील आ रहा है, क्या है ये आउट होने वाला, इसके लिए कब मिलने वाला, नहीं आउट होने वाला करके। तो गाइस ये सीनियर सिटीजन की सीट है, मामा कहाँ है? ये रहे। बैठ जाओ ना यार, बहुत वेल थॉट जोक था, डिलीवरी बहुत खराब थी, हंस देते यार।
अंकिता ये पकड़ के बताओ कौन है भाई साहब ये इसका क्या देख लोग यहाँ सपोर्ट लेते हैं क्यूट में है क्या छोटी सी है तू सिंगल है ना हाँ भाई पहली बात तो नमस्कार बैंगलुरु नमस्कार बैंगलुरु बैंगलुरु में बैंगलुरु नहीं इट्स बेंगलुरु बेंगलुरु ही बोला ठीक है अगर देखो लड़की चाहिए लड़की पटाना है तो जब भी आज लड़की से मिलेगा देश पे बात करेगा बोलेगा नमस्कार बेंगलुरु 30 साल कब नंबर आरसीबी की सारी लड़कियां झप्पी लेने आ जाएंगे बोले रहेगा बांट रहा हूँ यार रख नहीं रहा था मैं सोचा तेरे को कल है 30 साल का अपना वो वाले कप पे फोकस कर वो आ भी जाएगा भाई मोटिवेशन दे दिया यार हाँ वही आएगा भाई वो आरसीबी का थोड़ा सीन है क्या बात है ये जरा आओ अरे लोग सिंगल है हां क्या सिंगल है हां 30 साल मतलब दिस ईयर कप नंबर और नमस्कार बेंगलुरु बोलने का तो लड़कियां ना सा जप्पी पा देंगे जरूर अबे ये सिर्फ इस बहाने ये बुलवा रहा है वो कुछ है नहीं पता यार ये स्ट्रेटजी रिवील हो गई बैगेज बेल्ट पे वेट कर रहा है जैसे बैगेज मिलता निकलेंगे आंखों में देख लो नींद है भयंकर सोए नहीं है 2 दिन में से भैया बर्फ पर कर लेना ना आपका तो टिप्स एंड ट्रिक्स बर्फ यहां कहां मिलेंगे हां होटल में लवली हां तुम ग्लास में डालोगे मैं आंखों पे डालूंगा फर्क ही है डिस्कॉर्ड इन सेकंड्स डिस्कवरी चैनल पे नया हाइलाइट आ रहा है बाय बाय पब्लिक सीधा होटल में क्या बात है क्या बात है क्या बात आगे गाइस रूम में चेक इन कर लिए क्विक रूम टूर दे देता हूँ दिस इज माय रूम मेरे साथ जोकर भाई रहने वाले हैं तो हर एक क्रिएटर एक एक के साथ शेयरिंग कर रहा है तो जोकर भाई के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये अपना वॉशरूम ठीक है डिसेंट है बाकी दिस इज मी और ये रहा अपना रूम बेड है ये है ये है ये है ये है ये है ये है और ये जो ऐसा व्यू है मेरी जान लंच करके जस्ट अब भी रूम में आप पब्लिक फुल दबा के खा लिया जामुन आमुन डाला जरा हलवा हलवा डाला फुल दबा के बट एक इम्पॉर्टेंट चीज कल मेरा BGIS का मैच है यारो और थोड़ा हल्का सा प्रेशर आ रहा तो मैं ऑलमोस्ट 10 महीने 1 साल बाद वापस कॉम्पी में आ रहा हूँ और प्रिपेयर्ड हूँ ऐसा मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ बट नई टीम के साथ आ रहा हूँ नए प्लेयर्स है बाकी 2 पुराने प्लेयर्स है आई डोंट नो कैसा जाएगा बट पूरा बेस्ट दूंगा मैं हर टूर्नामेंट में मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ मैं रिजल्ट क्या आने वाला है ये नहीं सोचता मैं कि जीतूंगा नहीं जीतूंगा क्या होगा ये थिंकिंग के साथ कभी नहीं खेलता बट अपना 100% बेस्ट देना है बाकी अपन अपना बेस्ट देंगे तो बप्पा पे है यार भरोसा बप्पा जो भी रिजल्ट देंगे मेरे को अगर चाहे मैं क्वालिफाई हूँ या ना हूँ जो भी रहेगा वो मेरे अच्छे के लिए रहेगा वो पूरा भरोसा है मेरे को उन पर तो अभी शूट वूट चालू हो रहा नीचे अभी मेरा भी शूट है थोड़ी देर में फ्रेशअप होके अभी तक अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब मार दो यार क्योंकि तो 4 दिन 4 ब्लॉग डालने का कोशिश कर रहा हूँ मैं कोशिश नहीं मतलब हो ही जाएगा समझ लो आप लोगों के लिए आ रहा हूँ आप लोगों को खुश करने आप लोगों को हंसाने के लिए तो सीधा मिलता हूँ अभी नीचे आके शूट पे लिए ये बोल रहा था यार जो ऐसे ये शूट जो होने वाला है मैं क्या होने वाला है ये सब नहीं बताने वाला हूँ आपको सीधा Day 1 इवेंट आपको जो है उसके वीडियो देखने मिलेंगे इट्स अ वेरी फन सेगमेंट शूट आप लोगों को बहुत मजा आएगा जब आप लोग लाइव ऐसा फेस्ट पे देखोगे अभी हमारे रेबल भाई का भी मेकअप हो रहा दिखा दो आफ्टर दिखाऊं आफ्टर बिफोर में फर्क नहीं रहेगा रेबल इट्स यू यू आर स्मार्ट मैन यू आर स्मार्ट मैन इन्होंने हमारा मेकअप किया था व्हाट्स योर नेम दीप्ति जी गाइस एक क्वेश्चन आंसर हुआ था यार एक सेशन हुआ था उसमें मैं जीता यार क्यूट सा क्या करने का कैसा क्या करने का इसका इसको मतलब देख सॉफ्ट है हां जेसी भी सॉफ्ट है फ्लफी है मेरे को ऐसा आज ये फ्लफी है ना किसी एक इंसान को देने का मन कर रहा है दे दो आज जरूरत है पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं यहाँ तो नहीं बैठा क्या ये बोल रहे हैं किसी को देने का I want to gift you this man when you are in anger when you are in pain इसको तो लेके आया है मर्सी के लिए ये अच्छा है क्योंकि आज वो ये कर सकते हाँ बोल क्या बोल रहे हैं हेटर अपने घर में ये एक डल्ला है वो जो रिकॉर्ड कर रहा है ये एक हेटर है पासी मेरा कल मैच है ऑल द बेस्ट बोल दे यार मैं तो कुछ नहीं बोल रहा बुरा बहुत बोलना नहीं बुरा नहीं बोलेगा मिलिए बट मैं किसी टीम के बारे में बुरा सोच ही नहीं अरे मैं कर जाऊं इतना तो बोल दे बस और मुझे लग रहा है लोग कर जाएंगे मर्सी फीलिंग आ रही है आपको फीलिंग आ रही है मर्सी खेल रहा था ना आज रिजल्ट कुछ और रहता तो ये स्लॉट भी ना मिलता डायरेक्ट फाइनल का मिलता
अरे पूरी बात तो सुने, यू हैव मर्सी 8 बिट बैक फॉर मर्सी, पहला कौन सा टूर्नामेंट था? स्टार चैलेंज PMIT बैक फॉर मर्सी, बैक फॉर मर्सी, इसके सामने लोग ऐसा घसीटते घसीटते जाते थे कि भाई मत मार। उसी टूर्नामेंट में ये लोग टॉप 4 नहीं आ पाए। एक बंदा मैंने देखा था, टूटा हुआ नाम देख के दम गिरा दिया था, डर के मारे, मर्सी का नाम दे, मर्सी बैक फॉर मर्सी। ये ले यार का गिफ्ट, कोई बात नहीं, कुछ रिप्लाई कोई बात नहीं, कल का गेम देखते हैं, कल गेम देखते हैं, कल क्या है, कल गेम देखेंगे। वही बात है कि अभी एक घोड़ा जब दौड़ता है टेबल थी यार, जब मैंने आर्म रेसलिंग किया था गोल्ड टेबल थी भाई, टेबल देख के फट रही है, पागल हो गया क्या? प्लेट लगी है भाई, लगी है मैं ऐसे हाथ मिला रहा हूँ। हाँ, बस मतलब अगर तू खेल रहे हो जीत गया भाई, तू पैसे ले ले, ये ले ये ले, क्या तू खेल रहा है? हाँ अरे ऐसा थोड़ी है, टाइटेनियम है वो, अरे टाइटेनियम है वो, स्टील थोड़ी है। अच्छा टाइटेनियम, इसका रीजन है कल मेरा मैच है। क्या लगता है मैं कर पाऊंगा? आई थिंक कॉन्फिडेंस है, नहीं किया तो, नहीं किया तो यार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट बोल दें यार, थैंक यू यार। ये मर्सी जीता है आज, आज मारेगा ना ऐसा, आज इधर ही पत्ता लेना चाह रहा, ले मर्सी, मर्सी, मर्सी ले, ऐसे ऐसे फेंकूंगा दोनों में से कोई। ओ ओ ए तो पीछे जाओ, पीछे जाओ, तो आप पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, जिसको लिया एक सेकंड देख के दाल मखनी में चले जाए, दाल मखनी में, ओ तैन क्या बात है, कंटेंट के लिए था ना, अरे कंटेंट के लिए था, अरे कंटेंट के लिए दिया, मेरा है भाई, मैं अबे भाई मेरा है, क्या होता है भाई, कंटेंट के लिए था, मेरा है, मेरा है, ओए किसका है ये, किसका है, मेरा था ना, मेरा था, दे उसको, दे उसको, खुश हो जाओ ना भाई उसमें, क्या हाँ हाँ ये क्या, कोई राउंड टेबल है, राउंड टेबल है, अभी मत कर, कुछ भी हो सकता है, देख भाई, देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी तरफ कुछ भी मत देखो, ये राउंड टेबल है, राउंड टेबल मेरे को पुराने दिन याद दिला रही है, कुछ बोले कल मैच है तुम्हारा, आओ ना पंजा लड़ा दे, ये टेबल ऐसी टेबल थी, पता है, हो चुका है, चलो हो चुका है, मेरे लिए नया था यार, तेरे सामने तो बेचारा कॉन्फिडेंस में भी लगा देगा बिना डरे, पागल हो गया भाई, आए हाथ मिलाए, हाथ मिलाए, बस हो गया, आप जीत गए, शूट हो गया, लंच हो गया, सब कुछ हो गया, व्लॉग की एडिटिंग भी हो गई, अभी वही कर रहा था मैं, मेरा व्लॉग एडिट कर रहा था, चीचा अपना व्लॉग एडिट कर रहे थे यार, ऐसे खुद से ही व्लॉग एडिट करते, खुद से ही डाल देते, अगले दिन डाल देना, पब्लिक खुश, हम खुश, सब खुश, चार दिन चार व्लॉग, क्या व्लॉग का रूल है, सेम डे एडिट करो, अगले दिन डालो, और भाई खुद से एडिट कर देना, तुमको पता है क्या डालना है क्या नहीं डालना है। सो आज का दिन का व्लॉग ये था यार, लंबा व्लॉग है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, फेवरेट पार्ट कमेंट करके बताओ, बहुत सारी बकचोदी करी, बहुत सारा इंटरेक्शन करा, कल के ब्लॉग में कुछ भयंकर करेंगे, पायल का चैलेंज बाकी हो कल के ब्लॉग में करेंगे, और कल मेरा BGIS है यार, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया मेरी जान, कमेंट सेक्शन में ब्लॉग जब आप देख रहे रहेंगे तब मेरा मे बी BGIS चल रहा रहेगा, तो ओपी ओपी हो जाए, कमेंट सेक्शन में प्यार दिखाना, और मिलते हैं पब्लिक अगले ब्लॉग में, सी ऑल, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, ले आओ।